अम्बाला के जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों द्वारा कृषि के तीनों अध्यादेशों के विरोध में किए जा रहे धरना प्रदर्शन पर आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर उनका पुतला इसलिए जलाना पड़ा क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि मोदी इस देश को बेचने का काम करेंगे। इन अध्यादेशों के खिलाफ न सिर्फ किसान है बल्कि देश की जनता, मजदूर, आढ़ती और व्यापारी वर्ग भी है, लेकिन नरेंद्र मोदी राजहट पर उतर आए हैं और राजहट हमेशा सत्यानाश ही करता। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि कुछ किसान नेता आप पर कांग्रेस से मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि यह सब बीजेपी की मिलीभगत है, अगर ऐसा है तो उससे कोई सिद्ध करके दिखा दे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, यह अपने गुंडे भेजकर मुझे गोली भी मरवा सकती है, लेकिन बीजेपी के नुमाइंदे कान खोलकर सुन लें, जब तक इन काले अध्यादेशों को वापस नहीं लिया जाता यह आंदोलन जारी रहेगा, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। वहीं चढ़ूनी ने गृह मंत्री अनिल विज को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए आज तक किसी मंत्री को नहीं सुना। जितना विज ने दिया पीपली में एक जगह नहीं बल्कि चार जगह लाठीचार्ज हुआ जिसकी तस्वीरें हर जगह छपी और दिख रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी 20 सितंबर को हम समूचे प्रदेश में रोड जाम करेंगे और उसके बाद की जो रणनीति होगी वह सरकार की नाक में दम कर देगी। मोदी इस देश का एक तरह से दुश्मन बन के खड़ा हो गया। हम तो ये उम्मीद ही नहीं कर सकते थे कि जो इतना सिर उठा के बोलता है वो देश को बेच डालेगा। जो ये कहता है कि थोड़ा सा कोई विरुद्ध बोलता कर रहा है, ये पाकिस्तान चला जा, ऐसे लोग बोलने वाले हम ये उम्मीद नहीं कर सकते थे कि ये लोग इस देश को बेचेंगे। हमारी बदकिस्मती है आज देश का हर नागरिक पछता रहा है उनको राज दे के, कि ये मोदी जो है वो आज देश का सबसे बड़ा दुश्मन सिद्ध हो गया है। नलायक बेटे की तरह हर चीज बेच रहा है, जनता की नहीं सुन रहा है। इन तीनों अध्यादेशों के मजदूर विरुद्ध हैं, आढ़ती विरुद्ध हैं, किसान विरुद्ध हैं, व्यापारी विरुद्ध हैं, सब विरुद्ध हैं, लेकिन ये कहता है मैं तो लागू करके हटूंगा। ये राजहट है और राजहट जो पकड़ता है वो सत्यानाश करके हटता है, इसलिए उसके पुतले फूके गए हैं उसके जन्मदिन। देखिए बीजेपी जो हथकंडे अपनाती है अपना ले, बीजेपी मेरे को गोली भी मरवा सकती है, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, कुछ भी कर सकते हैं, किसी हद तक गुंडागर्दी अपना सकते हैं। मैं कहता हूँ जो बनानी अपना ले, 307 के मुकदमे दर्ज कर डाले इन्होंने इरादा कत्ल के। क्या कर दिया हमने, क्या कर दिया देश के किसानों ने, देश का पेट पाड़ दिया तो हम कातिल हो गए। ये जो मर्जी करें, जो इनको अत्याचार करने हैं ये कर लें, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा और आखिरी सांस तक जारी रहेगा। ये मारे चाहे छोड़ दें, जो मर्जी करें, हम किसी तरह का इनके आगे उपद्रव नहीं करेंगे, हम किसी तरह से इनसे कोई डंडा सुट्टी नहीं होंगे। ये जो करते हैं करें, इन्होंने गुंडे पाले हुए हैं। आप वीडियो देखिए पीपली की, बीजेपी के गुंडे सिविल कपड़ों में, बीजेपी के गुंडे सीधा खोपड़े में लठ मार रहे हैं, इतने मोटे मोटे लठ रखे हुए हैं। ये लोकतंत्र है? और उधर विज इतने बेशर्म मैंने नहीं देखे, इतना बेशर्म मंत्री विज ये बोल रहा है कि लाठीचार्ज तो हो ही नहीं, और उसके सामने वोट हुए हैं, उसके सामने सारा कुछ है, कितनी बेशर्मी से बोल रहा है कि वहां तो लाठीचार्ज नहीं हुआ। चार जगह पे लाठीचार्ज हुआ पीपली के अंदर, सिर्फ वोट डाले लोगों के, 80 साल के बुजुर्गों के हाथ पैर तोड़ डाले, हड्डियां तोड़ डाली लोगों की, और ये कहते लाठीचार्ज नहीं हुआ है। मैं कहता हूँ इनको जो करना है ये कर लें, लेकिन बता दें इनको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। हिंदुस्तान के लोग यहाँ औरंगजेब जैसे को राज नहीं छोड़ा, ये किस खेत की मुड़ी है। मैंने आगे कहे ये हराम के बच्चे जो खुद रिश्वत लेते हैं, जो खुद चापलूसी करते हैं बीजेपी की, बीजेपी के दलाल हराम ज्यादे हैं, मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। एक आदमी सिद्ध करके दिखा दे जिसने अपनी माँ का दूध पिया मेरे सामने आके, दिखा दे वो एक जगह पे सिद्ध करके दिखा दे, और एक रुपया तक सिद्ध करके दिखा दे। आगे की क्या रणनीति? आंदोलन होगा 20 तारीख को पूरे हरियाणा में, रोड जाम होंगे, और उसके बाद की जो रणनीति होगी वो इनके गले की फांस बन जाएगी। पूरे देश के किसानों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, पूरे देश के प्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाएंगे और पूरे देश का किसान इकट्ठा होगा। नहीं, मेरे सिंगार में अभी तक नहीं पहुंची है, और अगर किसी ने किया हम बिल्कुल सख्त एक्शन लेंगे। किसान को अगर इतनी सी भी कहीं खरोंच आएगी उसकी भी मदद की जाएगी, उसके पक्ष में भी खड़े होंगे। अगर ये ऐसी जियातें कहीं करते हैं, इस तरह की कहीं जो ये हमारे से जियातियाँ करते हैं किसान से, बिल्कुल कोई किसान से जियाती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बता देता हूँ जिसने जियाती की अभी बाज आ जाए, वो मेरे को नहीं पता कौन है, मैंने वीडियो नहीं देखी, लेकिन अगर कहीं किसी किसान से ऐसी जियाती हुई और जिस अधिकारी ने किया उस पर तुरंत एक्शन ले ले प्रशासन, वरना भुगतना पड़ेगा उनको।